हेलो दोस्तों, तो भाई ये हमारे साथ में नई जावा 42। जावा 42 के अंदर चार नए कलर आए थे, जिसमें कि एक ये ब्लू वाला था जो कि मैं आपको नहीं दिखा पाया था। काफ़ी लेट हमारे पास ये पहुंचा है, लेकिन फाइनली आ चुका है, तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। और इस तरह का ब्लू कलर पहले जब 2018 में जावा 42 को लॉन्च किया गया था, उस टाइम पर भी आया था और काफ़ी लोगों को ये कलर पसंद आता था। अभी भी लगभग उसी टाइप का है, थोड़ा सा यहाँ पर शेड्स के अंदर डिफरेंस है और थोड़ा सा ये उससे भी ज़्यादा आपको अपीलिंग लगेगा। जिन लोगों को ग्लोसी कलर्स पसंद हैं, उनको ये नया ब्लू कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसके अलावा जावा ने 42 के अंदर और भी काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, हालांकि डिटेल वीडियो जो है वो हम कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में भी आपको बता देते हैं कहाँ पर क्या कुछ बदलाव कंपनी ने इस बाइक के अंदर किए हैं। तो फर्स्ट, जब आप इस बाइक को फ्रंट से देखते हो तो लाइटिंग सेटअप जो है वो आपको सिमिलर मिलता है, हैलोजन ही पहले आता था, लेकिन इंडिकेटर्स आपको थोड़ा सा चेंज मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पर अब क्लियर लेंस इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और पहले जावा 42 के अंदर बार एंड मिरर्स ऑफर किए जा रहे थे जो 2.1 वेरिएंट था, लेकिन बार एंड मिरर्स को अब कंपनी ने हटा दिया और रेगुलर मिरर्स ही आपको मिलेंगे। अब बार एंड से अगर आप इनको कंपेयर करते हो तो देखो, विजिबिलिटी वगैरह के मामले में ये मिरर्स जो हैं वो कहीं बेहतर होते हैं। बस थोड़ा सा ये है कि बार एंड मिरर के अंदर आपको लुक थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर विजिबिलिटी आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। इसके अलावा फ्यूल टैंक भी चेंज है और 12.5 लीटर का टैंक आपको मिलता है जावा के स्टिकर के साथ में, ये आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर टैंक पे क्या है कि कट्स लगा दिए हैं, तो यहाँ पर टैंक पे क्या किया है कि पहले कोई कट नहीं आता था, लेकिन अभी कट दे दिया है। इससे क्या है कि आपके जो नी हैं बाइक चलाते हुए वो एकदम यहाँ पर पोजीशन होते हैं, जिससे आपके बाइक के ऊपर जो है कंट्रोल और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इसी तरह से साइड पैनल पर जब आप देखोगे तो स्टिकर ग्राफिक्स को थोड़ा सा चेंज किया, जिससे कि पहले से थोड़ा सा रिफ्रेश लुक यहाँ पर दिया जा सके। इंजन की मैं बात करूँ तो ये 295 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है, एक्चुअली 294 point something है, तो 295 मैं बोल रहा हूँ इसको, और लगभग 27 PS की पावर देता है 27 Nm टॉर्क के साथ में। रेडिएटर कंपनी ने यहाँ पर चेंज कर दिया है पुराने वाले से, अगर आप कंपेयर करोगे इसको, और यहाँ पर अब आपको नया इंजन मड कवर देखने को मिलेगा। बेसिकली ये फाइबर पे दिया गया है, पहले आपको मेटल का मिलता था लेकिन वो एक्सेसरी के तौर पर आपको खरीदना पड़ता था। ये स्टैंडर्ड फिटमेंट में है, और मेटल वाला आपको चाहिए तो वो एज एन एक्सेसरी आप लगवा सकते हो। बाकी कैटलिक कन्वर्टर वगैरह आपको सेम यहीं पर देखने को मिलता है। और इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसको बढ़ाया गया है, पहले 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती थी, अभी 173 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है। उसका रीज़न है कि पहले काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम थी कि बाइक जो है वो थोड़ी सी नीचे टच हो जाती है, तो उसको कंपनी ने कंसिडर किया और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाया। अब ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए कंपनी ने इसके फ्रंट सस्पेंशन को चेंज किया है, टेलीस्कोपिक है, पहले भी टेलीस्कोपिक आता था। इसका जो लेंथ है उसको बढ़ाया गया है, सस्पेंशन ट्रैवल भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, और इसकी वजह से आपको यहाँ पर थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलती है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ सीट हाइट के अंदर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा प्रीवियस मॉडल के कंपैरिजन में। तो 8 mm ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा है और वो 8 mm आपको थोड़ा सा सीट के अंदर भी बढ़े हुए फील होंगे। इसके अलावा कॉस्मेटिक चेंजेस के अंदर अलॉय को भी चेंज किया गया है, पहले आपको नॉर्मल अलॉय मिलते थे, मल्टी स्पोक थे, अभी यहाँ पर मल्टी स्पोक मशीन कट अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। ब्रेकिंग वगैरह सिमिलर है, बाइब्रेकेट डिस्क मिलते हैं आपको फ्रंट और रियर दोनों ही व्हील्स के अंदर, डुअल चैनल ABS के साथ में ये बाइक ऑफर की जाती है, और इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक छोटा सा डिफरेंस है मडगार्ड के अंदर, इसको चेंज किया है, और मुझे पर्सनली पुराने वाला मडगार्ड जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसके कंपैरिजन में, थोड़ा सा ज़्यादा ही ओल्ड स्कूल टाइप फील देता है इस बाइक के साथ में। और ये बाइक थोड़ा सा इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि रेट्रो मॉडर्न फीचर्स आपको इसमें दिए जा सके, रेट्रो मॉडर्न लुक आपको मिल सके। जो इंजन वाला पूरा पार्ट है ब्लैकआउट ट्रीटमेंट के साथ में आता है, काफ़ी अच्छा और मॉडर्न फील देता है, और हैलोजन लाइटिंग सेटअप जो है ये इसको थोड़ा सा रेट्रो फील देता है। बाकी टेल सेक्शन में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, टेल से भी इसको थोड़ा सा मॉडर्न टच दिया गया है। यहाँ पर क्या किया है कंपनी ने, जिसके मडगार्ड को कट किया है और ये नया टेल टैडी लगा दिया है, आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक ऑफर करती हुई नज़र आती है। तो काफ़ी अच्छा लुक जो है वो आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है। अब टॉप व्यू में अगर आप आओगे तो यहाँ से देख सकते हो कि जो टैंक पे कट आए हैं उसकी वजह से टैंक यहाँ थोड़ा स्लीक हुआ है, आगे जाके
थोड़ा सा वाइड नज़र आता है, और 42 का स्टिकर आपको ये टैंक के ऊपर देखने को मिलेगा। सीट के अंदर कोई बड़ा बदलाव तो नहीं नज़र आता है, कुशनिंग वगैरह आपको थोड़ी सी बेहतर नज़र आएगी, बाकी एक पट्टी पहले आती थी यहाँ पर जिसको हटा दिया गया है, वो अब आपको यहाँ नहीं मिलती है। और बाकी साइड स्टैंड आता है इंजन कट ऑफ के साथ में, मेन स्टैंड इसमें नहीं आता था, पहले भी नहीं आ रहा था, अभी भी नहीं आ रहा है। और टॉप व्यू में कोई भी बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ मिरर हैं जो मैंने आपको बताए, बाकी मीटर कंसोल सिमिलर है जो कि फुल डिजिटल है और मल्टीपल इन्फॉर्मेशन के साथ आता है। गियर पोजीशन वगैरह आपको दिया गया है लेकिन मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। इसके अलावा यहाँ से आप मीटर टॉगल कर सकते हो, तो सारे स्विचेस वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और कंपनी ने इसके क्लच वगैरह को भी चेंज किया है, प्रीवियस मॉडल के कंपैरिजन में एक क्लच आपको थोड़ा सा लाइट मिलेगा। बाकी बात करें कीमत की, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस तो हुए हैं लेकिन कीमत के अंदर कंपनी ने कोई भी चेंज नहीं किया है। अब 42 के अंदर अब आपको काफ़ी सारे कलर्स मिलते हैं जिसमें कि ग्लोसी और मैट के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, और यहाँ पर कीमत जो है वो 198,000 रुपये रखी गई है। चार नए कलर हैं जिसमें कि एक ग्लोसी ब्लू है मेरे साथ में 198,000 रुपये एक शोरूम कीमत के साथ ये कलर आप खरीद सकते हो। और इसके अलावा मैट कलर अगर आपको चाहिए तो उसका भी ऑप्शन जावा 42 के साथ में आपको मिल जाता है। अब 198,000 रुपये में ये मोटरसाइकिल आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियो तो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।